सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वांट का सिलेबस इस पेज पर पे रखा है वाई क्योंकि सिर्फ कैट के टर्म्स में क्वांट का ही तो सिलेबस होता है अगर मैं किसी भी और चीज की बात करूं डी आई एल और वर्बल दे डोंट हैव अ सिलेबस सो वी नीड टू हैव सम सम्रैटेजी फॉर दैट वॉट इज दैट वी विल फाइंड आउट आइए तो मैं पहले तीन सेक्शंस की बात करूंगा मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में दो तो तरह के लोगों की वन जिनके पास बहुत सारा टाइम है पढ़ने के लिए सेकेंड जो वर्किंग प्रोफेशनल या फिर वो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं जिनके पास कम समय है पढ़ने के लिए दिन में वो एक से दो घंटा ही निकाल पाते हैं राइट right, सबसे पहली बात फॉरगेट योर वीकेंड्स ये एक मेन चीज है और चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे आप स्टूडेंट हो अगले आठ महीने आपके लिए वीकेंड्स कुछ नहीं है सब एक ऑपॉर्चुनिटी है पढ़ने की दैट्स इट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ लेट्स से यू आर समवन उसके समस्पेक्टिव से बात करते हैं जिसके पास बहुत समय है पढ़ने का राइट right. आप कोई एक ऐसे बच्चे हो जिसके पास अभी आप शायद ड्रॉप लिया हुआ है या फिर आप ऐसे कॉलेज में हो या फिर आप कंपनी में हो तो किसी बेंच पे हो जहां पे आपका बहुत सारा समय है काम करने के लिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ये है आपका क्वांट का सिलेबस कंप्लीट होने की टाइमलाइन ठीक है अब अगर मैं बात करता हूं मार्च अप्रैल मई इन मंथ्स की तो आई रिकमेंड कि आपको पहला महीना एरेथमेटिक पे फोकस करना चाहिए राइट right. अब सबसे बड़ी बात तो यार ये है कि आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो या खुद प्रिपेयर कर रहे हो अगर तो कोचिंग ले रहे हो चलो फिर तो आपका गेम प्लान वही बनाएंगे फिर तो हम नहीं होते कुछ भी बोलने वाले बट अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं ले रहे हो अगर आप हमारे स्टूडेंट तो हम भी जो कल से बैच शुरू करने वाले हैं उसमें एरेथमेटिक से शुरू करने वाले अगर हमारे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी दिस इज द टाइम यू शुड बी डूइंग एरेथमेटिक फर्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि मार्च से लेकर लगभग अप्रैल मिड तक मार्च से लेके अप्रैल मिड तक कंप्लीट द कंसेप्ट इसके कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिए प्लस स्टार्ट गिविंग चैप्टर वाइज टेस्ट आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं राइट आपको कंप्लीट मॉक्स नहीं देने अभी शुरू नहीं करने कंप्लीट मॉक्स लेकिन वाइज टेस्ट देने शुरू कर देने टेस्ट यानी परसेंटेज का टेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का टेस्ट वो देने शुरू कर दो हमारा भी फ्लोर यही रहने वाला है हम अपने बच्चों को सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से जब हम मैथ पढ़ाते हैं हम समझते हैं कि बच्चे को शून्य एक दो तीन काउंटिंग आती है प्लस माइनस आता है इसके सिवाय कुछ नहीं आता हम बच्चे को पहले वो सिखाते हैं और उसके बाद हम उसको आगे लेके जाते हैं तो आपका भी फंडा ये होना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओगे क्वॉटिफायर्स डॉट इन सॉरी क्वॉंटिफायर्स कैट अकेडमी सर्च करना है यूट्यूब पे प्ले में जाना वहां पर एक फ्री कोर्स है फ्री क्वांट कोर्स उसको आप लेवरेज कर सकते हो बेसिक समझने के लिए और हमारी वेबसाइट क्वान्टिफाइल पे जाओ फ्री रिसोर्सेज में जाओ वहां पर एडवांस लेवल की प्ले है उसको कंप्लीट कर सकते हो इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर कंसेप्ट और वहीं पे आपके लिए कुछ फ्री टेस्ट भी हैं चैप्टर वाइज जो कि इजी से शुरू होकर डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपका पहला फंडा हुआ कि आपको अप्रैल से लेकर यहां तक आपको ये चीज करनी है आगे बात करते हैं मई जून जुलाई की मई और जून सबसे क्रूशल मंथ होंगे आप लोगों के लिए फोकस कंप्लीटली ऑन एलजेब्रा, अंडरस्टैंड कि जो आपका सिलेबस है ना जो आप आ, कर रहे हो इस वक्त हैं कैट के इसमें पिछले दो साल से एलजेब्रा बहुत ज्यादा और एक अच्छे लेवल का एलजेब्रा आ रहा है सो so, हमारे पास तो टोटल सोलह वर्कशॉप होंगी वी विल हैव टोटल सिक्सटीन क्लासेस ऑन एल्जेब्रा जहां हम बेसिक से अगेन एडवांस लेवल तक जाएंगे बट जो भी आप रिसोर्स फॉलो करेंगे मेक श्योर sure कि आप उसको इनडेप कर रहे हैं एक गलती ये मत करना कि मैंने दस डिफरेंट यूट्यूब चैनल फॉलो कर लिए दस डिफरेंट वीडियो देख लिया और मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं कॉर्डिनेटिक बार बार कर रहा हूं लीनियर बार बार कर रहा हूं नहीं बट आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए अपनी एल्जेबरा को पूरा कीजिए और साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट दे देंगे आप ठीक है जुलाई अगस्त में आपको करनी है जोमेट्री ये दो महीने में फ्लो आपका सेम रहेगा जैसे ही आप ज्योमेट्री पूरी कर लेते हैं आप फुल लेंथ मॉक देना शुरू कर देंगे ठीक है जुलाई के एंड में जाके या जुलाई के मिड में जाके लगभग लगभग आप फुल लेंथ बॉक्स दे सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा राइट इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल राइट अगस्त में आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीन महीने अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करने में लगाने चाहिए हम हमेशा कहते हैं कि एक कैट एग्जाम के दो फेसेट हैं पहला फेसेट है आपका एकेडमिक फेसेट जहां पे आपको कंसेप्ट सीखने हैं दूसरा है स्ट्रैटेजिक फेसेट जहां पे आपको वो चीज़ें अप्लाई करनी शुरू करनी है तो आपका जो अगस्त से नवंबर तक का टाइम होगा वो एप्लीकेशन में जाना चाहिए दिस इज द मेजर थिंग अदरवाइज आपको दोनों चीज़ें पैरल चलानी पड़ेंगी जो कि मुश्किल होती है हमारे पास जो बच्चे जुलाई में एनरोल करते हैं उन्हें बताते हैं कि अब आपको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज टाइम फॉर सिक्वेंशियल थिंग्स वी हैव टू मूव एट द पैरल पेस राइट तो यह आपका फ्लो होना चाहिए इसका अगस्त के बाद आप अगस्त मिड से लेकर जब से जनवरी खत्म होता है नंबर सिस्टम एंड पी एन सी एंड प्रोबेबिलिटी कर सकते हो क्योंकि उसकी वेटेज कैट के, के रिस्पेक्ट से कम होती है तो बहुत ज्यादा डेफ में नहीं जाते तो भी चलेगा पुराने क्वेश्चन कर लेना मेक श्योर sure आप जितने भी टॉपिक कर रहे हो इसके पुराने क्वेश्चन कर लेना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कुछ रिसोर्सेज आपको हम फ्री में देते रहे तो एक गूगल फॉर्म का लिंक होगा उसको आप भर के वो अचीव भी कर सकते हो तो ये दो चीजें करते रहना आप तो ये आई आपकी बात सब सारी की सारी इन चीजों की राइट आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं डीआईएलआर की राइट अब देखो डी एल आर में कुछ बेसिक्स तो होते नहीं ना ही डी एल आर कुछ सिलेबस है कोई चाहे टेबल कह दे चाहे कोई पाई चार्ट कह दे कैट में पिछले पांच साल में आप उठा के देख लो आप सेट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अपना बिजनेस चलाने के लिए दे सेग्रीगेट द टॉपिक्स इंटू फ्यू थिंग्स विच डजेंट वर्क इन कैट एंड स्टूडेंट्स फॉलो ऑन देअर फेसिस देर आर अ फ्यू टॉपिक्स गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वेन डायग्राम रूट्स एंड नेटवर्क वी विल ऑल्सो कवर दैम इन वेरी मच डिटेल टेकिंग फोर टू फाइव क्लासेज ऑफ ईच टॉपिक and that will help you out but ultimately you have to practice ultimately and ideally ideally you should be doing around 700 sets in order to score good in this section 700 set करने चाहिए आपको राइट right? अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम आपको 75 फुल लेंथ सेक्शनल देंगे तो 300 सेट वहां से आएंगे आपके पास आपको हम 30 फुल लेंथ मॉक्स देंगे तो 120 सेट वहां से आएंगे आपके पास ये हो गए 420 सेट उसके अलावा आपके लगभग लगभग लग 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 क्लासेस में 200 सेट्स कंप्लीट होते हैं इसके अलावा हम आपको एक बुक देते हैं जिसके अंदर 300 सेट है विद वीडियो सॉल्यूशंस विद वीडियो सॉल्यूशंस टेक्स्ट नहीं वीडियो सॉल्यूशंस ठीक है तो हम लगभग लगभग 920 सेट्स आपको देंगे थ्रू आउट द कोर्स अब आप पे आपने कैसे डाइजेस्ट करना है इसमें से जो तीन सौ सेट की बात कर रहा हूँ ये हमारे यूट्यूब पर ही है तो अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए डी की प्ले में जाइए तीन सेट मिलेंगे स्टार्ट डूइंग टू टू थ्री सेट्स पर डे श्योर यू यू विल लैंड अपर गुड राइट बट अगर आपको वो सेट्स बहुत डिफिकल्ट लगते हैं स्टार्टिंग में देन दर इज अब नोन है स्मार्ट कीड़ा स्मार्ट कीड़ा गूगल सर्च करिए स्मार्ट स्मार्ट कीड़ा डीआईएल स्मार्ट कीड़ा एनलिटिकल रीजनिंग इनके पास कुछ सौ सौ सेट्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी वहां से आप कंफर्ट लेवल बना सकते हैं लेकिन मैं बहुत क्लियरिफाई कर दू कि वो सेट सिर्फ कम्फर्ट लेवल बनाने के लिए वैसा कैट में कुछ आएगा नहीं इट इज जस्ट टू गिव यू समिडेंस की हाँ अब मुझे समझ आने लग गई चीजें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डी एल आर इज फेमुलियरिटी इनफैक्ट विद एवरी थिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फेमुलरिटी दिस वर्ड बहुत से बच्चे चाहे हमारे अपने स्टूडेंट हो ठीक है चाहे बाद में हो हमसे एक बात पूछते हैं कि यार डी एल आर नहीं हो रही तो हम क्या करें हम हमारा आंसर हमेशा एक ही चीज होती है द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर इट विल बी विद टाइम आपको फेमिलियर उन्हें कंसेप्ट के साथ कि ऐसे डी एल आर सेट अच्छा हाँ ये वो फोर इंटू फोर मैट्रिक्स बनेगा मैंने पहले किया हुआ है तो मैं उसको दोबारा कर लेता हूँ तो दैट इज द ओनली थिंग क्वानिटिफाइल स्टॉडिंग हमारी वेबसाइट पर जाएंगे डी आएल आर में जाएंगे सेक्शन में वीडियो रिसोर्स में वहाँ पर चैप्टर वाइज डी एल आर सेट्स भी हैं आप उसको विडियो सोल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू राइट तो फेमिलियरिटी प्लेज ए वेरी मेजर रोल अगेन इसमें मैं कोई टॉपिक्स तो नहीं लिखूंगा कि पहले ये टॉपिक कर लो फिर वो टॉपिक कर लो क्योंकि वो होते ही नहीं है टॉपिक्स अगर आप कहीं से भी इस चक्कर में पड़ गए कि मैं पहले सिलेबस पूरा कर लेता हूँ डी का आप मेरे ओपिनियन में आप परेशान हो जाओगे क्योंकि आपको लगेगा मैंने सिलेबस पूरा कर लिया नंबर नहीं आ रहे पर उसका सिलेबस होता ही नहीं है यार आपको करने पड़ेंगे आपको 600 सेट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट ठीक है राइट तीसरी चीज करते हैं हमारी वर्बल की वर्बल एबिलिटी अगेन आपको क्वांटिफायर्स वाले 150 फिफ्टी सेक्शनल टेस्ट देते हैं अपने कोर्स के अंदर जिसमें से कि लगभग लगभग 100 सेक्शनल टेस्ट तो हमारे पोर्टल पे फ्री पड़े जो लगभग लगभग 50 से 60 टेस्ट है जो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आते हैं ये हमारे अपने एनरोल स्टूडेंट्स के लिए पेड वर्जन में होते हैं ये आप कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाके फ्री टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं रोज के आपको कुछ टेस्ट देने हैं GMAT क्लब नाम की एक वेबसाइट है GMAT क्लब पे जाके आप डिफिकल्टी लेवल कुछ आरसीज प्रैक्टिस कर सकते हैं उन आरसीज को समझ सकते हैं देर आर सम वेबसाइट लाइक Ion एस एस जिससे आप पढ़ सकते हैं आपका फ्लो ऐसा रहना चाहिए कि सबसे पहले आप आरसी के लिए थोड़ा सा अपने मजबूत करिए अपने बेसिक्स को एक महीना डेढ़ महीना लगाओ सिर्फ और सिर्फ आरसी पे उसके बाद आगे चल के क्रिटिकल रीजनिंग ग्रामर पैराजल्स उसकी तरफ जाइए उसके रिसोर्सेज पुराने वाले कुछ मॉक्स मिलेंगे आपको आप टेस्ट सीरीज लोगे वहां से मिलेंगे दैट विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फिर फॉर यू नथिंग एल्स और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रोज डेली टारगेट्स आते हैं दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग ग्रुप में का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आप लोग आ, हमारा गूगल फॉर्म भर के सब कुछ व्हाट्सएप में भी पा सकते हैं दैट इज टोटली अप टू यू सो दिस शुड बी योर गेम प्लान फ्रॉम द मंथ ऑफ वॉट व्यू से फ्रॉम द मंथ ऑफ मे यू शुड बी गिविंग द सेक्शनल ऑफ वर्बल एंड डी एल आर राइट वी एल आर के sectionals देने शुरू कर देना यहां से ठीक है आपको बहुत ही बेटर फील आएगी बेटर लगेगा आपको जितना आप यहां पर वी ए और डी एल आर करते रहेंगे सेक्शनल जितने करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा ठीक है सो आई एडवाइज यू की आप इसको करते जाइए दीज आर दिंग्स यू शुड स्टिक विद आपको उसके बाद लगभग जुलाई के एंड में आपको फुल लेंथ मॉक्स देने दिस शुड बी यर गेम प्लान ये अब आपके पास तब होगा आपका बहुत सारा समय है तो आपको रोज की कुछ ना कुछ चीजें करनी चाहिए राइट आपको अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो आपको रोज की कम से कम दो घंटे क्वांट पर डिवोट दिवो, करने हैं लगभग दो घंटे वर्बल पे डिवोट करने हैं लगभग दो घंटे डीआरएलआर पे डिवोट करने हैं अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है बट नाउ इफ यू आर समवन जिसके पास दिन के हैं ही दो घंटे सिर्फ क्लास के अलावा आपने हमारी क्लास लगाई क्लास का टाइम है साढ़े से साढ़े ठीक है आपने क्लास लगाई और उसके बाद आपके पास के दो ही घंटे बचते हैं पढ़ने के लिए तो आपको सिर्फ एक डेली टारगेट कर लेना ठीक है क्योंकि उसके अंदर आपको हर रोज का हर रोज का एक वर्बल का टेस्ट मिलता है ठीक है प्लस एक डी आई का सेट मिलता है रोज विद वीडियो सॉल्यूशन प्लस एक क्वांट कंसेप्ट मिलता है बट अगर आपको लगता है कि मैं ये भी एक साथ नहीं कर पा रहा हूं तो इसमें से कोई दो चीजें पिक कर लीजिए इसको रेगुलर करते रहो सी क्वांट में आते हैं क्वांट इज ऑल कंसेप्टचुअल उसको हम आपको आप थोड़ा लेट भी पढ़ोगे ना जल्दी पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा बट वर्बल एंड डी आई लॉट ऑफ आर्ट एंड सब्जेक्टिविटी तो उसके लिए तो आपको दिन भर दिन मेहनत करनी ही पड़ेगी तो आप उस मेहनत को करते जाइएगा पक्का सक्सेसफुल होंगे वर्बल एंड डी एल आर रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ योर टाइम इसमें से दो चीजें रोज पकड़िए टारगेट रखिए नाउ इफ यू आर समन इज हु टू आवर्स पर डे आपका सिलेबस ही जाके ऑगस्ट में खत्म होगा अगस्त एंड में दैट इज वाई कोचिंग बिकम्स अ मोर नेसेसिटी फॉर यू बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते इट्स टोटली फाइन आप जो भी रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं वीकेंड पे ज्यादा पढ़ो ताकि आप उन लोगों से जो शायद दूसरी बार कैट दे रहे हैं जो, जो कोचिंग ले रहे हैं या फिर जिनके पास ज्यादा टाइम है उनसे कंपीट कर सको वीकेंड्स आपको अपने त्यागने पड़ेंगे तो कहते हैं कि अगर आपने स्वर्ग जाना है तो जहर तो पीना ही पड़ेगा मरना पड़ेंगा, पड़ेंगा. तो पड़ेगा ही पड़ेगा तो स्वर्ग अगर जाना तो मरना तो पड़ेगा ही आयम अगर जाना तो पढ़ना तो पड़ेगा तो उसको आप पढ़िए अच्छे से and then we will move ahead i hope this video will help you guys and if it does please do subscribe to our channel and recommend this to your friends thank you so much have a great day